रोहित शर्मा की टीम इंडिया से छुट्टी हो सकती है। टीम इंडिया के लिए बीसीसीआई ने चौंकाने वाले प्लान्स बनाए हैं। नए साल पर बीसीसीआई पूरी तरह से फॉर्मेट चेंज कर सकती है। हर फॉर्मेट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में अलग अलग खिलाड़ी शामिल होंगे। जी हाँ, पिछले 9 साल से आईसीसी ट्रॉफी का इंतजार कर रही टीम इंडिया में अब नए और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नया साल 2023 करीब है और यही वक्त है टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार नए साल के आसपास टीम इंडिया को नई चयन समिति मिल सकती है। इसके बाद नई चयन समिति की जिम्मेदारी होगी कि वो हर फॉर्मेट के लिए टीम इंडिया को नए सिरे से तैयार करे। ऐसे में जल्द ही टीम इंडिया में एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीसीसीआई हर फॉर्मेट में अलग कप्तान को लेकर मूड बना रहा है। देखा जाए तो T20 के लिए हार्दिक पांड्या कप्तान के बतौर उनका चयन हो ही चुका है, लगभग आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। साथ ही हर फॉर्मेट का एक अलग पुल भी तैयार होगा, पहले भी इस पर रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और ऐसे में रोहित शर्मा का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रोहित शर्मा अभी टीम इंडिया के हर फॉर्मेट में रेगुलर कप्तान है, लेकिन फिटनेस और वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते वो भी लगातार ब्रेक लेते रहते हैं। इस बीच उन्हें चोट भी लगी है और रोहित शर्मा के रोल को भी साफ किया जाएगा नई चयन समिति टीम द्वारा।